Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, बाहुबली चाहिए। साउथ इंडिया सिनेमा को आज के दौर में किसी ने इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है तो वो है बाहुबली मूवी के सुपरस्टार प्रभास। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फेमस साउथ इंडियन और बॉलीवुड एक्टर प्रभास के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ये एक एक्टर नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनना चाहते थे और बाद में इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा और आज अपनी एक्टिंग की वजह से इन्होंने साउथ में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपनी एक अलग पहचान बना ली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको प्रभास की लाइफ और उनका लाइफस्टाइल बताने वाले हैं और अगर आप जानना चाहते हैं इनकी एज, एजुकेशन, करियर, फैमिली, गर्लफ्रेंड, हाउस, हॉबीज, कार कलेक्शन और नेटवर्थ के बारे में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आप भी प्रभास के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक। तो आइए शुरू करते हैं। प्रभास का रियल नेम वेंकटा सत्यनारायणा प्रभास राजू उपालापति है और निकनेम है इनका डार्लिंग यंग रेबल स्टार और प्रोफेशन से एक एक्टर और बिजनेसमैन है। प्रभास का जन्म चेन्नई तमिलनाडु 23 अक्टूबर 1979 को हुआ था और 2020 के हिसाब से 41 साल के हैं और इनकी हाइट लगभग 6 फीट 1 इंच है और वेट है इनका 95 किलोग्राम। नेशनलिटी से ये एक इंडियन है और रिलीजन से एक हिंदू है। अब बात करते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में तो मैं आपको बता दूं इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई DNR स्कूल भीमावरम से की है और अपनी कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने श्री चैतन्य कॉलेज हैदराबाद से पूरी की थी और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन BTech है। अगर बात की जाए इनके करियर के बारे में तो मैं आपको बता दूं प्रभास ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेलुगु फिल्म ईश्वर से की थी और इनकी वो फिल्म हिट हुई और उसके बाद ये फिल्म पर फिल्म करते चले गए जैसे कि वर्षा, चक्रम, योगी, मुन्ना और परफेक्ट रेबल जैसी फिल्में की। और मैं आपको बता दूं कि 2014 में बॉलीवुड फिल्म एक्शन जैक्शन में भी ये दिखाई दिए और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बाहुबली मूवी में अपना एक अलग ही किरदार निभाया और इनकी मूवी सुपर डुपर हिट रही और इसके बाद बाहुबली का सेकंड पार्ट आया और उस पार्ट ने भी खासी अच्छी कमाई की। और उसके बाद प्रभास साहू में दिखाई दिए और इस फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया और एक तरह से ये प्रभास का बॉलीवुड में डेब्यू था। चलिए मिलवाते हैं आपको इनकी फैमिली से। इनके फादर का नाम है पालापति सूर्य नारायणा राजू और जो कि इस दुनिया में नहीं रहे और इनकी मदर का नाम है शिवा कुमारी और इनके ब्रदर का नाम है प्रमोद कुमार उपालापति। इनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम है प्रगति और अगर इनकी गर्लफ्रेंड की बात की जाए तो ये अभी सिंगल है लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का शेट्टी है। अब बात करते हैं इनकी हॉबीज के बारे में तो मैं आपको बता दूं इनकी हॉबीज क्या क्या है। तो इनको वॉलीबॉल खेलना और बुक्स पढ़ना काफी पसंद है। अब देखते हैं ये रहते कहाँ पर है। मैं आपको बता दूं प्रभास का अपना बंगला जुबली हिल्स हैदराबाद में है और ये यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनकी कार कलेक्शन के बारे में तो इनकी पहली कार है BMW 520D जिसकी कीमत है 60 लाख रुपए और दूसरी कार इनके पास जैगुआर XJ जिसकी कीमत है 98 लाख रुपए। तीसरी कार इनके पास रोल्स रॉयस गोस्ट सीरीज 2 जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। अगर बात करें इनकी सैलरी के बारे में ये पर फिल्म कितने लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक फिल्म के 30 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी सैलरी 30 करोड़ रुपए है। अब देखते हैं इनका नेटवर्थ कितना है तो इनका नेटवर्थ है 29 मिलियन US डॉलर और अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो इनकी संपत्ति 214 करोड़ 60 लाख रुपए है। तो ये था प्रभास का लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप भी प्रभास के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।